इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स सोशल साइंस का मॉडल सेट टू सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल सेट वन का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। बिहार का एक मशहूर पर्व है, तो क्या है? छठ है। छठ हरा यातायात लाइट दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? वाहन के चलने का संकेत दिखाता है, वाहन के चलने का संकेत हरा लाइट। नेक्स्ट है थ्री, मानचित्र में भूरा रंग क्या दर्शाता है? तो भूरा रंग है ना पर्वत को दर्शाता है, पर्वत को। ये आंसर मत देखिएगा, आंसर बहुत सारा क्या है गलती दिया हुआ है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाला। जिन शब्द का मतलब होता है जीतने वाला। अब आगे देखिए टू में हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से जो सही रहेगा वही क्या करना है, भरना है। पहला है पुष्य मित्र सुंग ने डैश धर्म को बढ़ावा दिया, तो किस धर्म को बढ़ावा दिया? बौद्ध धर्म को। संगम शब्द का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? कवियों की सभा। संगम शब्द का मतलब होता है कवियों की सभा, ठीक है। इसमें भी आपको बता रहे हैं कि आंसर मत देखिए, आंसर बहुत सारा गलती रहता है, आपको तो हम सही सही बता रहे हैं। बिहार में कुल 10 जिले हैं, तो कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था, तो कपिल वस्तु में हुआ था, कपिल वस्तु। आगे बढ़ते हैं, आगे है मिलान कीजिए सौर परिवार का मुखिया, तो सौर परिवार का मुखिया होता है सूर्य। वाट, तो वाट संबंधित है, वाट का प्रतिनिधि से पृथ्वी का मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। और महादंड नायक यानी मुख्य न्यायाधीश। फोर है किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। कितना है? छः गो है, टोटल छः गो है, इसमें से सिर्फ आपको चार प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पहला, आप भारत से रोम को, ठीक है ना, आप भारत से रोम को निर्यात और आयात होने वाली है ना तीन तीन वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए भारत से रोम को निर्यात होता था, है ना, भारत से जाता था, व्यापार होता था, रोम में जाता था, यानी निर्यात होता था। तो भारत मसालों के लिए बहुत ही फेमस है। तो देखिए काली मिर्च, गरम मसाला और समुद्र से प्राप्त जो दुर्लभ मोतियाँ थी ना, वो भारत से रोम निर्यात होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आयात, तो अगर बात करेंगे तो रोम से क्या आयात होता था? तो जो मोती नहीं होता, पत्थर, मोती नहीं पत्थर, जो कीमती पत्थर होते हैं ना वो आयात होता था। टू है हुन, हुन कौन थे? तो हो जाएगा हुन प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करते थे, ये भारत पर आक्रमण किए थे हुन, है ना। हुनों के आक्रमण से भारतीय नरेश त्रस्त थे, भारतीय नरेश यानी क्या, जो भारतीय राजा थे ना बहुत ही त्रस्त थे, बहुत ही परेशान थे, क्योंकि हुन कई बार आक्रमण करते रहते थे। थ्री है बौद्ध गया क्यों प्रसिद्ध है? ये तो बहुत ईजी है, तो छः गो है, छः गो में से चार गो बनाना है, तो जो आपको ईजी लगेगा वो बनाइएगा। बौद्ध गया क्यों प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गया क्यों प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गया में ना गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बोधि वृक्ष। किसको? पीपल वृक्ष को, जिसके नीचे गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वही वृक्ष क्या है ना पास में बगल में माँ बोधि मंदिर बनाया गया, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा है, इसलिए ये फेमस है। बोध गया क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बोधि मंदिर है और बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये सब तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ, यहाँ कई देशों द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की मंदिरें भी हैं, तो ये आप सेंटेंस नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है फोर में क्या लिखा हुआ, फोर में पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? तो ये तो और ये जी है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध? तीन कटिबंध है, तीन। अगला है सरकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए सरकार से आप क्या समझते हैं, सरकार एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक आर्थिक नियमों का निर्धारण करती है, समझ गए ना, नियम बनाती है, नियम को लागू करवाती है, और जो नियम को उल्लंघन करते हैं उनको सजा देती है, ये सब है। तो वही बोला जा रहा है सरकार एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक आर्थिक नियमों का निर्धारण करती है, राज्य के बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था करती है, तो ये है। और ऐसे भी लिख सकते हैं सरकार एक ऐसा संगठन है जो क्या करती है,
नियम बनाती है, नियमों का पालन करवाती है, नियम तोड़ने वाले को सजा देती है, ये सब है। अगला है क्या लिखा हुआ, जेबरा क्रॉसिंग से आप क्या समझते हैं? जेबरा क्रॉसिंग से तो जेबरा क्रॉसिंग देखे होंगे कि मेन रोड पे कि सड़क ऐसे गया ना, तो यहाँ से रहता है यहाँ पर जेबरा क्रॉसिंग, और यहाँ से पैदल यात्री क्या करते हैं, पार होते हैं, तो वही है। तो जेबरा क्रॉसिंग एक पथ है जो सड़क पार करने हेतु पद यात्रियों के लिए होता है। पद यात्रियों यानी क्या, पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए होता है। पांचवा देखिए, पांचवा पांचवा में क्या बोला जा रहा है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तीन गो है, 1 2 3, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए पहला इजी है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? दैनिक गति जो पृथ्वी करती है ना 24 घंटा में पूरा घूर्ण, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, वार्षिक गति करती है क्या, सूरज के चारों ओर करती है, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटा लेती है ना वो, और दैनिक गति 24 घंटा में करती है जिसके कारण दिन और रात होता है, तो यही वाला है। और दैनिक गति अपने अक्ष पे करती है, वार्षिक गति सूरज के चारों ओर करती है, और दोनों गति साथ साथ चलता रहता है। तो देखिए दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और ये दैनिक गति अपने अक्ष पे होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे करती है, जबकि पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण मौसम में बदलाव आता है, मौसम में जो ऋतु में बदलाव आता है ना, ऋतु में, मौसम कहना ठीक नहीं होगा, ऋतु, ठीक ना, जितना प्रकार का ऋतु होता है, तो ऋतु में बदलाव आता है, और रात दिन छोटे बड़े होते हैं। यहाँ देखिए दिन और रात होने के काम किसका है, दैनिक गति का, दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है, लेकिन दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है, तो वार्षिक गति के कारण, और ऋतु में बदलाव होता है वार्षिक गति के कारण। और ये भी लिख सकते हैं कि दैनिक गति करने में ना पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, और वार्षिक गति करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। अब आगे देखिए दूसरा, कोई एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन तत्व हैं? तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, ये देख लीजिए जो आसान है वो बनाइए ना। तो देखिए 3 देखिए, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाइए। अतीत की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो देखिए ये इजी है, पहला है अलिखित स्रोत, दूसरा है लिखित स्रोत। अलिखित यानी जो लिखा हुआ नहीं है, तो जैसे भवन है, जैसे ना नालंदा का खंडहर, भवन मतलब क्या, जो पुरातात्विक अवशेष है जो खुदाई करके निकाला गया, जैसे नालंदा का खंडहर है ना, आप सब गए होंगे स्कूल की तरफ से, कौन कौन गया कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद जो भी स्तंभ मिला है, ठीक है, स्तंभ ऊपर भी हो सकता है, खुदाई करके निकाला हुआ भी हो सकता है, सिक्के, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, आभूषण, हथियार, ये सब जो मिले हैं ना खुदाई करके, इसलिए इसको पुरातात्विक अवशेष कहते हैं। इन सब से हमें जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के बारे में। और लिखित जानकारी यानी लिखा हुआ, किताब उताब है ना, ठीक है, किताब उताब लिखा हुआ, तो ताम्र पत्र, पत्ता या भोजपत्र, ये सब पत्ते पे लिखा जाता था, और खाल उल पे लिखा जाता था है ना, ये जो पौधा का खाल होता है ना, पौधा नहीं पेड़ का खाल, उस पे। पुस्तकें हो गए, विदेशी यात्रियों के विवरण, जो विदेशी यात्री थे आए थे जैसे ह्वेनसांग, ठीक है, तो ये जो किताब लिख के अपने देश में ले गए थे ना, तो वो तो विदेशी यात्रियों का विवरण, और शिलालेख या अभिलेख जो पत्थरों पे लिखा जाता था है ना, तो वो सब हो गया, पत्थरों पर शिलाओं पर जो लेख लिखे जाते थे, तो वो हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।